हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से हूं और झालरापाटन में मेरी शॉप है। दोस्तों, मैंने इसका इंजन खोला है, 94 मॉडल ट्रैक्टर है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये 94 मॉडल ट्रैक्टर है। तो वैसे तो मैंने इंजन के काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं, पर मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि इसका ऑयल पम्प कैसे चेक करें, तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे कि जो इसका ऑयल पम्प है उसको हम कैसे चेक करते हैं, हमें किस पोजीशन पर आके ऑयल पम्प नया डालना चाहिए, उसी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक नया पुराना ऑयल पम्प है, एक और एक नया ऑयल पम्प है, दो ऑयल पम्प है हमारे पास। तो इसको हमें किस तरीके से चेक करना है, उसके लिए हमें एक फिलर गेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये फिलर गेज है, इसके हमने पत्ती निकाली है, 003 की जो इसमें पत्ती है वो हमने निकाली है। आप कोई सी भी ले सकते हो, 4 की भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमें पहले हम इसमें नए में डाल के देखेंगे ये पत्ती इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये आराम से आ रही है और जा रही है इस तरीके से, हमें पत्ती डाल के देख लेना है ये। इसी तरीके से हम इसमें पुराने वाले में डालेंगे, तो ये इसमें भी सेम है, बिल्कुल उसी तरीके से, उतनी ही टाइट है, उसी तरीके से ये अंदर बार हो रही है। तो इस जगह तो ये सही है। दूसरा हमें चेक करना है जो इसका ये फेस है, इसको चेक करना है, ये डाउन तो नहीं है। तो इस तरीके से हम ये पत्ती रखेंगे और इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। अगर ये ज़्यादा डाउन होगा तो हमें ऑयल पम्प नया डालना पड़ेगा। तो वैसे ये भी ठीक है, चल जाएगा हमारे हिसाब से। तो इसी तरीके से हम इसको नया ऑयल पम्प को नापेंगे। ये हमारा नया ऑयल पम्प है, तो इसको हम नाप के देख लेंगे एक बार इस तरीके से। इसका इस फेस चेक करेंगे हम ये वाला। तो इस जगह हम ये पिलर गेज रख के और इस तरीके से हम इसका फेस चेक कर लेना है। तो हल्का सा इसमें हमें ज़रूर फर्क नज़र आ रहा है, तो इसका जो फेस है थोड़ा सा ऊपर है, बाकी ये भी सही है हमारे हिसाब से। तीसरा हमें चेक करना है इसकी जो गिरारी है, इस गिरारी को हमें इस तरीके से इधर से अंगूठे की मदद से दबा के और इसमें पिले चेक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पिले नहीं है, इसमें मामूली सी पिले रहती है जो इसमें रहना भी चाहिए, हल्की सी पिले इसमें। इसी तरीके से हमें इसको इस वाले पंप को चेक कर लेना है, इसको हमें इधर से अंगूठे से दबाना है इस तरीके से। तो इसमें भी मामूली सी, जितने हमारे नए पंप में ही है उतनी ही पिले इसमें। और ये 94 मॉडल ट्रैक्टर है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसने कितना पुराना ऑयल पम्प है, फिर भी ये ओके है, बिल्कुल कम्प्लीट रखा हुआ है। तो हम इसको वापस लगा देंगे। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण हमें इसकी ये चीज़ चेक करना है, जो हमारी ये गिरारी है, ये अंदर वाली शाफ्ट आ रही है उसमें बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, उसमें ढीली नहीं रहना चाहिए। तो वो चीज़ भी हमें इसमें क्लियर करना है, क्योंकि अगर वो ढीली रहेगी तो उससे भी हमारा ऑयल पम्प है जो फेल हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमारी इसमें कम्प्लीट ओके फिक्स है, ये जो हमारी गिरारी इसमें लगती है ये हमारा नया है। तो ये इस तरीके से जो गिरारी हमारी लगती है तो वो ढीली नहीं रहना चाहिए, अंदर इसमें ठुक के जाना चाहिए, उस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसका ऑयल पम्प चेक कर लेना है। और सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि अगर हम इसमें एक नया ऑयल पम्प मंगा के और उसके हिसाब से हम इसको चेक कर लेवें, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो यहाँ से चेक करना है हमें इसका फेस, दूसरी चीज़ हमें यहाँ से चेक करना है ये पत्ती डाल के, दोनों तरफ हम गिरारी में पत्ती डाल देंगे, इसको चेक कर लेंगे। एक हम इसको यहाँ से भी चेक कर लेना है, ये दोनों गिरारियों के बीच में गैप है, इसको भी हमें चेक कर लेना है, ये भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, एक मैंने अभी ऑयल पम्प चेंज करा था, तो इसकी जो गिरारियों के दांते हैं अंदर, इसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए। इसको मैंने इसीलिए चेंज करा था, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो हमारी गियर है ये यहाँ से कटा हुआ है अंदर से, ये इस जगह से, तो इसलिए मैंने इसका ये ऑयल पम्प चेंज करा था। तो हमें ये गिरारी अंदर से भी इसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर से हम चेक कर लेते हैं तो अंदर से अगर हमारे दांते ख़राब है तो भी हमें ऑयल पम्प नया डालना पड़ सकता है। तो भी आप देख सकते हैं, शायद आपको इसको वीडियो में दिख जाएगा, ये इधर से यहाँ से कटा हुआ है, ये इस जगह से, इसलिए मैंने एक ऑयल पम्प है अभी बीच में इंजन बांधा था तो उसमें मैंने उसका ऑयल पम्प चेंज करा था, वो भी इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि वो ऑयल उठाने लग गया था, तो उन्होंने उसको पुराना ऑयल से ट्रैक्टर को चलाया, तो इसलिए गिरारी बहुत ज़्यादा कट गई थी, तो मैंने उसका ऑयल पम्प चेंज करा था। बाकी अभी इसके पुराने वालों को मैं दिखाता हूँ, उसकी गिरारी कंप्लीट है, ये जो इसकी गिरारी है वो तो दोनों तरफ से कंप्लीट है, आप देख सकते हैं।
ये गिरारी बिल्कुल ओके है। तो मैंने इसको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से चेक कर लिया है और ये गिरारी बिल्कुल ओके है। और ये मेरी ये वाली गिरारी है, ये भी बिल्कुल ओके है, इसको भी मैंने चेक किया। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर ये हमारे सही है। वैसे स्वराज में ऑयल पम्प बहुत कमी से ख़राब होता है और मैं तो बहुत कमी से ऑयल पम्प डालता हूँ, तो इस तरीके से हमें इसका ऑयल पम्प चेक कर लेना चाहिए। तो ये तरीका है, तो इस तरीके से हमें इसके ऑयल पम्प चेक कर लेना है। एक नया ले आओ और एक हमारा पुराना जो ऑयल पम्प है उससे हम कन्फर्म हो जाते हैं कि मेरा ऑयल पम्प ख़राब है नहीं है। हमें तीन चार चीज़ें मैंने आपको बताई, उनका विशेष ध्यान रखना है। एक तो इसका ये फेस ज़्यादा डाउन नहीं रहना चाहिए, हमारी जो गिरारी हैं वो अंदर से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। एक इसकी हमें इसकी पिले चेक कर लेना है। अगर इसमें ज़्यादा पिले रहती है तो हमें इसको नया डाल देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऑयल प्रेशर है यहाँ से लीक हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको ऑयल पम्प को चेक कर सकते हैं। और ये ऑयल पम्प बहुत ही कम ख़राब होता है स्वराज में, तो मैं तो इंजन तो बांधता हूँ। अब ये 94 मॉडल ट्रैक्टर है, मैं इसका ऑयल पम्प यही लगाऊंगा और ये कंप्लीट चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑयल प्रेशर भी वही आएगा। तो इस तरीके से हम इसका ऑयल पम्प चेक कर लेना है दोस्तों। और मैंने बहुत सारे इंजन की वीडियो भी डाले हुए हैं फुल इंजन के, अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और मेरे पास एक कमेंट आया था तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अभी तक के लिए यही, जय हिंद और जय भारत।